प्रदेश सरकार द्वारा रामनगर विधानसभा की अनदेखी करने पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं व अधिवक्ताओं में सरकार का पुतला दहन किया गया। शनिवार को अधिवक्ता फैज उल हक के नेतृत्व में भवानीगंज भगत सिंह चौक पर अधिवक्ताओं एवं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि रामनगर की हमेशा अनदेखी की गई, जबकि रामनगर में हाईकोर्ट के लिए जमीन भी सरकार के पास पहले से ही है, लेकिन हाईकोर्ट नगर न शिफ्ट कर कैबिनेट ने हल्द्वानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ता फैजुल हक ने कहा कि प्रदेश सरकार व केंद्र की भाजपा सरकार देश के लोगों को रोजगार देने में असमर्थ है। रामनगर में हाईकोर्ट आने से रामनगर में व्यवस्था में वृद्धि के साथ ही इस विधानसभा का विकास होता, जिससे वकीलों के साथ अन्य सभी से रोजगार में उत्सर्जन होता, लेकिन प्रदेश सरकार की नीतियां और फैसले गलत साबित हो रहे हैं। रामनगर की जनता ने लगातार दो बार विधायक चुन के भेजा, वोट रामनगर को किया, लेकिन रामनगर की हमेशा इस भाजपा सरकार ने जो है अनदेखी करी है। अनदेखी करने के साथ साथ इस समय एक अच्छा मौका था कि रामनगर में हाईकोर्ट को लाया जा सकता था, जिससे हाईकोर्ट आने से अधिवक्ताओं के साथ साथ अन्य रोजगार के क्षेत्रों में भी रोजगार के उत्सर्जन होते और लोगों को रोजगार मिलता, अपने रामनगर विधानसभा का विकास भी होता। यहाँ पर बहुत सारे नेता हैं जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आज अगर रामनगर में हाईकोर्ट आने की प्रबल स्थिति थी, जगह थी, सब कुछ था, लेकिन यहाँ के किसी नेता ने, किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी ने भी यह कोशिश नहीं की कि यह हाईकोर्ट रामनगर शिफ्ट हो जाए। और कैबिनेट ने जो हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्ट करने की बात करी है, जो उसका ये फैसला है, उसका हम विरोध करते हैं।